जय श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है रंग पंचमी, तो आप सभी को रंग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूँ इंदौर से, तो इंदौर में मनाई जाती है बेहतरीन तरीके से रंग पंचमी, क्योंकि यहाँ होली से ज़्यादा रंग पंचमी खेली जाती है। तो मैंने तो होली सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बीमार थी, पर आज मैं रंग पंचमी जरूर सेलिब्रेट करूंगी और उसके लिए ढेर सारे पकवान बनाऊंगी और साथ ही खूब सारी होली भी खेलूंगी। तो ज़्यादा बकबक ना करते हुए चलिए चलते हैं मेरे किचन पे। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, और आज है संडे, तो संडे स्पेशल क्या बनने वाला है और खासकर रंग पंचमी स्पेशल क्या बनने वाला है मेरे घर में, दिखाती हूँ मैं आपको अपने किचन में। बने रहिए इस वीडियो में, काफ़ी बेहतरीन सी रेसिपीज मिलने वाली हैं। आप बनाते होंगे, पर मैंने होली में नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना होली की कमी आज रंग पंचमी में कंप्लीट कर ली जाए। तो चलिए मेरे किचन पे दिखाती हूँ मैं आपको ढेर सारी, एक अच्छी सी बेहतरीन सी थाली बनाने वाली हूँ मैं, जिसमें बहुत सारी वैरायटी होने वाली है। अभी नहीं बताऊँगी, आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए आज मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ छोला। तो इसे मैंने रात भर भिगो के रख लिया था, इसे अच्छे से धो करके कुकर में डालूंगी। उसके साथ ही दो तीन छिले हुए आलू डालूंगी, तो छोला आलू की सब्जी बनेगी, मतलब ये काबुली चने और आलू की बेहतरीन सी सब्जी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर डाल दी हैं दो तीन आलू, छोला, नमक, और साथ ही मैं डालूंगी यहाँ पे कुछ खड़े मसाले। तो इसमें लिया है बड़ी इलायची, छोटी इलायची दो तीन, लौंग, फूल, और ये एक क्या दालचीनी, इन सबको डाल दिया है। और इसमें डाल दूंगी पानी, कुकर बंद करके इसे तीन सीटी लगा लेंगे। और साथ ही चल रही है सुबह के नाश्ते की तैयारी, तो मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ ढेर सारे पकौड़े। तो ये पालक मैं कट कर रही हूँ, तो इसमें डालूंगी मैं ढेर सारी सब्जियाँ। तो पालक तो कट कर लिया है, अब ये इसमें डालूंगी थोड़ा सा पत्ता गोभी। आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो सब डाल के एक बार पकौड़े बना के देखो, बड़ा ही खाने में टेस्टी लगता है। तो ये डाल दिया मैंने, अब इसमें डालूंगी प्याज, तो यहाँ पे सब्जियां कट कर ली है मैंने यहाँ पे, और इसमें डालूंगी थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसमें डालूंगी बेसन, और इसमें डालूंगी चावल का आटा, और इसे अच्छे से मिला लूंगी। और साथ ही मैं बनाने वाली हूँ यहाँ आलू के पकौड़े और लौकी के पकौड़े। इसे मैंने पतला पतला काट लिया हुआ है, अब मैं इसे अच्छे से मिला के फ्राई करूंगी, और साथ में डालूंगी इसमें नमक। तो ये पकौड़े का मैंने पूरा मिक्सर अच्छे से मिला लिया है। इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, क्योंकि सब्जियाँ पालक हो गई, पत्ता गोभी होगी, प्याज सब पानी छोड़ने वाली है। तो आप पहले ऐसे मिला ले और 2 से 2-4 मिनट के लिए छोड़ दे। पानी छोड़ने के बाद नमक डाल ही दिया आपने, तो सारी सब्जियां पानी छोड़ देंगी, तो इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर थोड़ा सा लगता है तो 1 से 2 चम्मच पानी डाल लें, बाकी जरूरत नहीं पड़ती है, धीरे धीरे करके गीला ही होता जाएगा। तो अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ भजिए, साथ ही तैयार कर लेती हूँ चटनी। तो यहाँ पे डाल रही हूँ मैं धनिया, अच्छी तीखी चटनी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं पकौड़ों पे मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया है, बच्चे भी ताकि आराम से खा सके। और साथ में डालूंगी इसमें पुदीना,
थोड़ा सा, और 4 से 5 टमाटर लिए, इसे भी कट करके डाल दूंगी मैं इसमें, और साथ में डालूंगी लहसुन और नमक, और फटाफट से चटनी बना लेती। तो चटनी बनके हो गई है तैयार। इसमें मैंने बाद में डाला है नींबू, और इसमें पकौड़े के बैटर में भी डालूंगी नींबू मैं थोड़ा सा, और यहाँ पे भी दूसरा। इसमें मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच चावल का आटा और 3 चम्मच बेसन और नमक, हल्दी और धनिया पाउडर डाला है, और इसमें भी डाल दूंगी नींबू, और इसको अच्छे से मिला लूंगी। इससे मैं तैयार करूंगी दूसरे तरह के पकौड़े। तो इसमें लौकी और आलू के पकौड़े तैयार होंगे, तो इसे भी अच्छे से इसका घोल तैयार कर लेती हूँ, और साथ ही चढ़ा दी अपनी कढ़ाई गर्म होने के लिए। फिर फटाफट से मैं पकौड़े तल लूंगी। तो ये मेरी होली के समय की कढ़ाई है जो कि यूज नहीं हुई, और पकौड़े फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। तो इधर इसे चढ़ा दिया, इधर आलू अब काले ना पड़े इसके लिए मैंने इधर साइड में रख लिया है, और इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा बेसन वाला बैटर ताकि ये काले ना पड़े। आप चाहे तो पानी में भी भर के रख लो कट करके, तो भी काले नहीं पड़ते। तो ये सारी भजिया हो गई है तैयार। अब मैं बनाने वाली हूँ लौकी और आलू वाली भजिया। तो इधर आलू और लौकी का मेरा पकौड़ा बनके हो गया है तैयार। अब मेरा थोड़ा बेसन बच गया था, तो उसमें मैंने थोड़ी सी प्याज और थोड़ा सा पत्ता गोभी कट कर लिया है, इसे भी फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह से मेरे 3-4 तरह के पकौड़े रेडी हो जाएंगे खाने के लिए। तो भजिया तो सारी हो गई है तैयार, और इधर मैं फ्राई करने वाली हूँ दही, बनाने वाली हूँ दही बड़े। तो यहाँ पे मैंने जितनी क्वांटिटी उड़द दाल की ली थी उतनी ही मूंग दाल की ली है। इसका इसे मैं मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेती हूँ। तो अब कर रही हूँ मैं सब्जियों की तैयारी। तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ छोला, और एक मैं सूखी सब्जी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे चढ़ा दी है कढ़ाई, अब इसमें डालूंगी तेल। तो तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। तो तड़के में जाएगा चूल्हा, प्याज, अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन कूट लिया है मैंने, मैं डालूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सबको अच्छे से मिला लेंगे। फिर यहाँ पे धो करके पत्ता छोटे छोटा पीसेस कट कर लिया था मैंने गोभी का, ये डालूंगी। साथ ही डालूंगी छोटा सा आलू, उसमें डालूंगी मटर, और इसमें डालूंगी मटर, अब इसे ढक के मैं 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी ताकि गोभी अच्छे से पक जाए। साथ ही कर लेती हूँ छोले की तैयारी। तो कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई हो गई है गर्म, अब इसमें डालूंगी तेल। तेल को हो जाने देते हैं गरम। तो तेल हो गया है गरम, अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, अब डालूंगी प्याज, इसे बारीक कट कर लिया था,
पानी खत्म होने तक इसे पका लेती हूँ मैं। साथ ही इधर गोभी की सब्जी का भी ध्यान देते रहेंगे। तो गोभी की सब्जी ऑलमोस्ट भुन चुकी है, अब इसमें डाल दूंगी मैं नमक। और साथ ही डाल दूंगी टमाटर। और इसे वापस से ढक दूंगी। तो इधर प्याज भी तैयार हो गई है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ अदरक लहसुन जो मैंने बारीक कट कूट लिया है। तो इधर तड़का हो गया है तैयार, इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और कुछ ये खड़ी मिर्च है। मैं बारीक कट नहीं कर रही हूँ ताकि मैं इसे आसानी से लाल में अलग कर लूँ। और इसमें डालूंगी कुछ मसाले, धनिया पाउडर, इसे भी अच्छे से मिला दिया है। अब मैं डालूंगी ये सारा टमाटर। ये देसी टमाटर जो अच्छे भी खटास आ जाएगी। मैं इसमें डालूंगी नमक। तो नमक मुझे बस टमाटर गलाने का जितना मसाला है उसी क्वांटिटी से नमक डालूंगी, क्योंकि मैंने छोले में भी नमक डाले हुए हैं। तो मैं छोला भी इस्तेमाल करूंगी साथ में उसका पानी भी इस्तेमाल करूंगी, तो नमक ज़्यादा ना हो जाए इसलिए हिसाब से डालें। अभी मैंने टमाटर गलाने के लिए नमक डाला हुआ है और इसे मिला करके रख दूंगी 5 मिनट के लिए। आप चाहें तो इन सब मसालों को पीस भी सकते हैं, नहीं भी पीसते अगर नई तरह से बनाते हैं तो ये सारे मसाले वैसे भी गल जाने वाले हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो गोभी की सब्जी में मैं डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। टमाटर गलने लगे हैं, अब मैं इसमें भी डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा छोला मसाला। तो टमाटर ऑलमोस्ट गल ही चुके हैं, मैं इसे दबा दबा के अच्छे से मसल देती हूँ ताकि सारे टमाटर बेहतरीन से गल जाएं और एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। अगर आपके टमाटर खट्टे ना हो ना तो आप ना आमचूर पाउडर या इमली का यूज़ कर सकते हैं, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है, तीखा चटपटा बेहतरीन सा छोला बनके तैयार होता है। तो टमाटर गल चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी ये आलू जो मैंने छोले के साथ उबाले थे और इसके सारे खड़े मसाले जो मैंने इसमें डाल के उबाले थे जितने मुझे मिले मैंने हटा ही दिए हैं ताकि मुँह में ना आए। और साथ में डालूंगी इसमें छोला। हाई फ्लेम में इसकी भुनाई कर दूंगी मैं। अब मैं डालने वाली हूँ उसमें ये सारा पानी और बचा हुआ छोला। थोड़ी ग्रेवी ठीक लग रही है तो मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी थोड़ा और थोड़ा सा धनिया पत्ता, बाकी सारा बाद में डालूंगी। इसमें 2 बाल आने तक पका लूंगी मैं 10 मिनट तक, ताकि अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ा सा बेहतरीन सा छोला बनके तैयार हो जाए। और इधर देख लेती हूँ गोभी की सब्जी। तो गोभी की सब्जी का ऑलमोस्ट पानी खत्म हो गया है, जो थोड़ा सा पानी है अब हम इसे खुले में ऐसे ही पका लेंगे ताकि अच्छा सा खिला खिला सा हमारा गोभी का मटर का सब्जी तैयार हो जाए। तो इधर मेरी गोभी की सब्जी हो गई है तैयार, इसमें डाल लेती हूँ धनिया। तो अब बनाने वाली हूँ दही बड़े। तो यहाँ पे मैंने ये सादा पानी ले लिया है, इसमें डालूंगी हींग, साथ ही डालूंगी थोड़ा सा नमक और ये मैंने दाल पीस ली है, मैंने काफ़ी टाइट पीसी है, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया, 1 से 2 चम्मच पानी डाला था।
जो मेरी तरफ मेरे घर में जो दही बड़ा बनाया जाता है ना ऑथेंटिक तरीके से वही बनाने वाली हूँ। तो ये दाल बिल्कुल फाइन नहीं पीसी हुई है, ये दाल दरदरी सी मैंने पीस के रखी है। इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक और जाएगा थोड़ा सा धनिया पाउडर और इसमें डालूंगी थोड़ा सा सौंफ। इन सबको अच्छे से मिला लूंगी। तो दाल को मैंने अच्छे से फेंट लिया हुआ है और यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं बनाऊंगी बड़े, तो इसी में से थोड़ा सा पानी ले लूंगी मैं। इसमें से ये बैटर लूंगी और थोड़ा सा होल करूंगी ऐसे और इसे छोड़ दूंगी कढ़ाई में। और इसे अलग पलट के सेक लूंगी मैं। तो इस तरह से सारे जितना भी बैटर बचा है सब बड़े बना लूंगी मैं और बना बना के फटाफट से पानी में डालती रहूंगी ताकि अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगा। तो 15 से 20 मिनट में बन के तैयार हो जाता है, फूल भी जाता है और खाने को बड़ा टेस्टी लगता है क्योंकि ये दरदरा सा रहता है ना, तो उसका टेस्ट आता ना बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी अपने घर पे जरूर ट्राई करना। और इधर छोला भी पक्के हो गया है मेरा तैयार, तो इसके मैं बंद करूंगी गैस को और साथ में लगा लेती हूँ पूरी का आटा, तो फिर मैं पूरी भी बनाने वाली हूँ। तो ये सारे बड़े हो गए हैं तैयार, इसे मैं डालती जाऊँगी पानी में। और थोड़े सूखे भी खाने हैं तो इसे छोटे छोटे मैंने फ्राई कर लिए हैं। साथ ही पूरी फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। पूरी मैंने बेल के रख ली है, जब तक मेरे बड़े फ्राई हो रहे थे तो मैंने पूरी बेल के रख ली है। इसे भी फटाफट से फ्राई कर लेती हूँ। तो पूरी मेरी एक टोकरी भर के हो गई है तैयार। अब मैं बना लेती हूँ पुलाव। तो अब बना लेती हूँ मटर पुलाव बनाने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पे डालूंगी घी। घी गरम हो जाने देते हैं। तो घी गरम हो गया है, यहाँ पे मैंने ली है लौंग और छोटी इलायची और मैंने लिया है सा जीरा और यहाँ पे 3 से 4 मैंने ली है काली मिर्च। ये तड़के में इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं, तो इसे डाल देती हूँ मैं और साथ में डाल देती हूँ ये हरे मटर। डालूंगी साथ में ये चावल, ये बासमती चावल लिए हैं मैंने, धोकर के रख लिया था। इसे हल्के हाथों से चला लूंगी मैं चारों तरफ से घुमा घुमा के। और साथ में डालूंगी थोड़ा सा नमक। ये बड़ा अच्छा सा पुलाव बनके तैयार होता है और इसमें डाल दूंगी पानी। तो ये से भिगा के रखा था तो इसमें ज्यादा पानी नहीं डालने वाली हूं मैं और इसे एक सीटी आने तक पका लूंगी मैं। तो रेडी हो जाएगा हमारा पुलाव। तो ये रेडी है मेरी बेहतरीन सी होली की, छोटी होली की थाली। तो यहाँ पे लिया है मैंने सूखा सब्जी गोभी का और छोले पूड़ी और जितने भी मैंने पकौड़े बनाए थे वो, और राइस पापड़ और मीठे में लिया है गुलाब जामुन और सैलेड और ये मेरा रहा दही बड़ा। तो सारा खाना काफ़ी टेस्टी बना है। तो
तो आपने कैसी मनाई अपनी रंग पंचमी, क्या बनाया मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।